अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ा था कल ही द्वारा नसी उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक व्हेन ही द शॉप ऑफ द गोल्ड स्मिथ ही शोड हिम द नेकलेस जब रमन उसकी दुकान पर पहुंच जाता है गोल्ड स्मिथ की दुकान पर पहुंच जाता है उसे नेकलेस दिखाया जाता है

दिखा दिखाकर कहा कि यह नेकलेस बेचने के लिए आई हैड मेड दिस नेकलेस फॉर द प्रिंस आई हैड मेड दिस फॉर द प्रिंस मैंने इस नेकलेस को प्रिंस के लिए बनाया था आई एम श्योर ही मस्ट द प्रिंस एंड स्टोलन द नेकलेस मुझे यकीन है कि उसने शहजादी को प्रिंस को मारा होगा और उसे हार चुराया होगा द किंगो रिकोगनाइज द नेकलेस। बादशाह ने भी नेकलेस को पहचान लिया उसने अपनी सिपाही भी वहाँ भेज दी है दुकान पर एंड ऑर्डर देम टू अरेस्ट रमन और उन्हें यह हुक्म दिया कि रमन को अरेस्ट किया जाए

रमन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया ही गॉडस वाई ही वहां पे रमन ने एक गॉड से कहा एक से कहा कि मुझे क्यों बंद किया गया मुझे क्यों जेल में डाला गया टोल्ड हिम हिज क्राइम तो उस मुहफिज ने गार्ड ने उसे उसके जुर्म के बारे में बताया आपने क्या किया है ल्ड अवर प्रिंस एंड स्टोन हिज नेकलेस आपने हमारी शहजादी को मारा है और उसका नेकललेस उसका हार चुराया है इसलिए आपको बंद किया गया है रमन वॉज हॉरीफाइड टू हियर दिस खूब जदा हुआ रमन ये सुनकर ही है गोल्ड स्मिथ उसको गोल्ड स्मिथ ने धोखा दिया द

द एनिमल हैड बीन बैटर देन दिस मैन उसको ये बात समझ में आ गई कि ये जानवर जो थे वो इस आदमी के मुकाबले में अच्छे थे जस्ट एज ही से रिमेंबर्ड द स्नैक ही कॉल्ड आउट द स्नैक एंड द नेक्स्ट मोमेंट द स्नैक स्ली टू द सेल ठीक है जस्ट एज ही सैट थिंकिंग अब वो सोचने बैठ गया उसने स्नेक सांप को रिमेंबर किया याद किया सांप को ही कॉल्ड आउट टू द स्नेक स्नेक को बुलाया जाता है उसको आवाज दी जाती है और अगले ही लम्हे में स्नेक वहां पे सेल में घुस जाता है इसलिए थर्ड मैंने आपको कहा था टू मूव इन ए करविंग वे अब वो उस अंदाज से सेल में दाखिल हो जाता है वट कैन आई डू फॉर यू ऑस्कर द स्नेक तो सवाल किया स्नेक ने से पूछा कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ रमन टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू बी इन दैट डार्क सेल द स्नेक वॉज हियर अबाउट रामन प्लाइट ठीक है प्लाइट मीन एन अनप्लीजेंट कंडीशन क्या होता है प्लाइट का मीनिंग एन अनप्लीजेंट कंडीशन रमन ने उसे सारी कहानी बताई और साहब जो था वो बहुत दुखी हुआ रमन की कहानी सुनकर ही प्लान घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास एक तरकीब है एक प्लान है क्वीन चैम्बर एंड बाइट हर आई विल स्ल द दुनिया चैम्बर मैं मलिका के चैम्बर में घुस कर उसे काटूंगा बाइट करूंगा माई पॉइजन बॉडी मेरा जहर उसकी बॉडी में फैल जाएगा एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस और वो अनकॉन्शियस हो जाएगी और वो अनकॉन्शियस बेहोश हो जाएगी द किंग विल बी वेरी सैड बादशाह बहुत दुखी हो जाएगा ये देखकर नथिंग विल बी एबल हर नथिंग विल बी एबल टू क्यूर हर कोई इसका इलाज नहीं कर सकता है हाव एवर इफ यू टच हर फोर हैड अगर के हाउ एवर इफ यू टच हर फोर अगर आप उसके फोर आप उसके माथे को टच करोगे शी विल वेक अप वो खड़ी हो जाएगी द किंग विल बी प्लीज बादशाह बहुत खुश हो जाएगा प्लीज है इसका हैप्पी है द किंग विल बी प्लीज्ड बादशाह बहुत खुश हो जाएगा एंड ही विल सेट यू फ्री वो आपको आजाद छोड़ देगा द स्नेक दे थर्ड अवे इन टू दैम्बर एंड हर उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ा आज उसके बाद स्नेक जो है वो क्वीन के चैंबर में घुस कर उसे काटता है दैट वॉज अबाउट द टुडेज टॉपिक थैंक यू वेरी मच